राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। वहीं हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। उधर अधीर रंजन का कहना है कि मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। एक बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं, अभी मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। दरअसल अधीर रंजन ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।